बदले किया गया, लेकिन अहिल्या को पत्थर की होने का श्राप दे दिया गया। पत्थर की होने का ये नहीं था कि वो पत्थर हो गई। हर जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि अहिल्या पत्थर हो गई और पत्थर ही बनी रही, लेकिन ऐसा नहीं था। जब कोई भी स्त्री हृदय कठोर हो जाता है, हृदय पत्थर का रूप हो जाता है, वो पिघल नहीं पाता, प्रेम जाग नहीं पाता, कोशिश करने के बाद भी प्रेम से दूर रहती है, हर समय खोई रहती है, हर समय उलझी रहती है, पड़ी रहती है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो स्त्री भी पत्थर हो गई है। ये नहीं था कि वो मूर्ति रूप में स्थापित हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं। आप विचार करना, बहुत से पुरुष भी पत्थर हो जाते हैं, बहुत सी स्त्रियां भी पत्थर हो जाती हैं, लेकिन ऋषि ने एक रास्ता खोल दिया कि श्री राम आएंगे तब तुम्हें पत्थर से इंसान होंगे। श्री राम वहां गए, उनके स्पर्श से उनके हृदय में फिर से प्रेम उत्पन्न हुआ, फिर से जागृति हुई, फिर से समर्पण हुआ, फिर से वो प्रकृति उत्पन्न हुई और फिर से मानव की योनि में वो आई और फिर चली गई। कहां गौतम ऋषि जहां तपस्या कर रहे थे हिमालय के अंदर, बड़ा अद्भुत खेल है। यहां भी वही कही वही कहा गया है कि वो परम चेतना प्रेम के रूप में जिसकी तरफ भी उसने देखा, जहां भी उसकी दृष्टि हुई, जहां भी उसकी आंखें मिली, वही प्रेम के फवारे फूटने लगे, वही प्रेम जागृत होने लगा। सब जगह यही थी कि श्री कृष्ण जी ने ही अनेक रूप धारण किए। जब युद्ध समाप्त हुआ, लंका से वापिस आए, तब श्री राम जी का एक प्रसंग आता है कि सब लोग ये सोच रहे थे कि 14 वर्ष के बाद वो वनवास से वापिस आ रहे हैं, इतने वर्षों के बाद आ रहे हैं, वो सबसे पहले किसके पास आएंगे, किससे मिलेंगे, क्योंकि ये आज भी समाज के अंदर है। कोई बड़ा व्यक्ति हो तो सब लोग ये सोचते हैं कि ये पहले किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, क्या कहेगा। एक एक शब्द के ऊपर उनकी बहुत मजबूत पकड़ होती है, उसका एक एक कार्य समाज को दिशा भी दे देता है और समाज का विनाश भी कर देता है। एक एक कार्य हर जीव उसको बड़े गौर से और अपने आदर्श के रूप में देखता है। हर जीव, प्रत्येक जीव तो उसके आदेश के पालन करने के लिए लालायित रहता है। तो उस समय वर्णन आता है कि श्री राम जी ने जितने भी उनसे मिलने के लिए आए थे, मां से लेकर के दासी तक, मंत्री से लेकर के चौकीदार तक, जितने भी जो भी लोग आए थे, उतने ही रूप उन्होंने धरे और सब रूप धर के यथा योग्य सबसे मिले। जिनको प्रणाम करना था उनको प्रणाम किया, जिनको आशीर्वाद देना था उनको आशीर्वाद दिया। बड़ा अद्भुत। तो ये उस परमात्मा का खेल है, ये उस परम चेतना की ताकत है। काम से बहुत दूर काम अगर जागृत तो हो जाए, जितना हम इसको दबाते रहेंगे उतना दबता चला जाएगा, लेकिन एक समय वो आएगा कि रोक नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करें रोक नहीं पाओगे।
लेकिन जब हम समझ जाएंगे, जब जाग जाएंगे, जब सही दिशा हो जाएगी, जब ये जीव ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, जब ये अंदर की ओर बहने लगेगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, कोई विचार भी नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद पाई है। नानक जी की तरह से भी